हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा एक फ्लोर मैट का आइडिया शेयर करने वाली हूँ वीडियो जरूर देखिएगा पूरा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो ये मेरे पास बेलबेट फैब्रिक है रेड कलर का आ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इकट्ठे पीस लेकर आई थी तो मुझे ये वन सेवेंटी में थ्री मीटर मिला था तो इसका यूज़ करके आज हम बहुत ही प्यारा सा एक मैट बनाने वाली हूँ मैं तो वीडियो जरूर देखिएगा और ट्राई भी जरूर कीजिएगा ये बच्चों के कमरे में रखिए चाहे अपने कमरे में रखिए देखने में बहुत ही सुंदर लगता है तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे मैं इसको बनाने वाली हूँ बहुत ईजी तरीका है कौन सी मैं इसमें निडल यूज़ करने वाली हूँ कैसे इसकी कटिंग करने वाले हैं पूरा वीडियो में दिखाने वाली हूँ आपको तो ये देखिए ये वेलवेट फैब्रिक है मेरे पास पहले भी मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है कोई डोर मैट वग़ैरह बनाए हैं फ्लोर मैट तो उसमें से अब जो ये कपड़ा बचा है इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ तकरीबन मुझे एक मीटर कपड़ा चाहिए एक मीटर में मैं ये बनाने वाली हूँ थोड़ा सा पीस बच जाएगा उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी तो सबसे पहले ये देखिए लंबाई में मैंने इसको फोल्ड कर लिया पहले मैं ना इसको कट कर लेती हूँ अच्छे से बराबर करके तो आप एक मीटर में या दो मीटर में बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो काफ़ी बड़े साइज़ का तो दो मीटर भी ले सकते हो अपने हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक मीटर कपड़ा इसमें यूज़ किया है अच्छे से पहले इसको बराबर करके रखते हुए पहले मैं कट कर लेती हूँ एक मीटर पीस निकाल लेती हूँ इसमें से ये देखिए जो इसका थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है उसका भी बहुत ही बढ़िया यूज़ करने वाले हैं उसको भी तो थोड़े कपड़े को भी हम पहकेंगे नहीं अब देखिए चौड़ाई में फिर से मैंने इसको फोल्ड कर लिया फोर फोल्ड करके मैंने इसको रखा है अब मैं इस पर जो शेप देने वाली हूँ जो पत्ती की शेप होती है ना वो शेप इसको देने वाली हूँ ये देखिए इस तरह से हमने अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो किसी पेपर पे ड्रॉ करके फिर कटिंग कर सकते हो लेकिन ये देखिए मैंने ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए पत्ते का निशान मैंने लगा लिया है इस तरह से अब कटिंग कर लेंगे जो ये थोड़ा बहुत कपड़ा साइड में निकला है ना वेस्ट हुआ है इसका भी हम यूज़ करेंगे पैच पैच वर्क के लिए इसको यूज़ में ले आएंगे तो इसको भी हम फेंकने वाले नहीं हैं तो इस तरह से एक शेप हमने कट कर लेनी है तो ये दो पीस हैं हमारे क्योंकि हमने फोर फोल्ड करके रखा था ना तो खोल के मैं आपको दिखाती हूँ ये दो पीस हमारे आ जाएंगे ये इस तरह से देखिए तो कोई भी शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हो मैंने पत्ते वाली शेप बनाई है जो कि देखने में अब देखिए इस तरह से हमने इसको पूरा गुलाई में स्टिच कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हुए मार्जिन रखते हुए बाकी यहाँ से ओपन रखना है तो यहाँ से ओपन रखते हुए बाकी सारा हम इसको स्टिच कर लेंगे और फ्रेंड्स इसमें मैंने फोर्टीन नंबर की सुई का यूज़ किया है क्योंकि वेलवेट फैब्रिक है तो आप चौदह या ग्यारह नंबर की सुई का यूज़ कर सकते हैं अगर फोर्टीन नंबर की सुई भी आपकी मशीन पे नहीं चलती तो ग्यारह नंबर की सुई का यूज़ कर सकते हैं और जब आपने क्विल्टिंग करनी है फिर तो आपकी सोलह नंबर की सुई भी चल जाएगी इसको हम क्विल्टिंग करके तैयार करेंगे ना तो आगे वीडियो पूरा देखिएगा इसमें मैं क्या भरने वाली हूँ किस तरह से क्विल्टिंग करने वाली हूँ पूरा आप देख लीजिएगा और आप मेन बात यह है कि आपने भी ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है तो फ्रेंड्स इस तरह के ना ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन जब अपने घर में आप अपने हाथों से बनाते हो कोई भी चीज़ तो उसकी खुशी अलग ही होती है और वो हमें मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं जो भी चीज़ें मैं अपने घर के लिए खुद तैयार करती हूँ मार्केट से लेने का इतना वो मुझे अच्छा नहीं लगता जितना मैं घर में तैयार करती हूँ क्योंकि जब मैं जब मैं खुद बना लेती हूँ तो मार्केट से लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब हम खुद घर पे ट्राई कर लेते हैं ठीक है ना अगर आप भी बना सकते हैं तो घर पे ज़रूर बनाइएगा अब इसको सीधा कर लेते हैं कोने वगैरह जो हैं अच्छे से ये देखिए इस तरह से पेचकस की हेल्प से मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी ये देखिए इस तरह से कोने वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे ना तो देखिए अब कोने वगैरह हमने अच्छे से निकाल लिए हैं इसके अब पूरा फैला के मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से हमारा ये आ गया अब इसमें हम क्या भरने वाले हैं इसमें मैं भरने वाली हूँ ये देखिए फाइबर कॉटन तो ये मैं फाइबर कॉटन भी मैंने नया नहीं लिया है मेरे पास एक मेरा पुराना क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा आ, मतलब वेस्ट था तो उसमें से ही मैंने ये कॉटन निकाली है और इसको हाथ से थोड़ा सा पहले सीधा सा कर लिया है ना अब देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसमें फ़ेल नहीं करना है क्योंकि हमने मशीन के साथ क्विल्टिंग करनी है ना आप चाहो तो हाथ से भी क्विल्टिंग कर सकते हो बड़ी सुई लेकर बड़ी सुई और धागा लेकर हाथ से भी क्विल्टिंग कर सकते हो मैंने आपको बता दिया अगर आपकी मशीन नहीं चलेगी मेरी मशीन चल गई है इसमें मैं आपको मशीन से करके भी दिखाऊंगी लेकिन फिर भी अगर आपकी मशीन नहीं चलती तो आप इसको सुई धागे से भी क्विल्ट कर सकते हो तो देखिए पहले सबसे पहले हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है इसको जो हमने ओपन रखा था तो चलिए मशीन पे चलते हैं कपड़े को अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ से हमने स्टिच करना है और याद रखिएगा यहाँ पे सुई ज़रूर चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे मैंने सिक्सटीन नंबर की सुई अब लगाई है आपने ये नहीं करना कि ग्यारह नंबर की सुई से ही आप क्वल्टिंग करने लग जाओ तो आपकी सुई टूट जाएगी तो यहाँ पे मैंने सिक्सटे नंबर की सुई का यूज़ किया है आप ना जिस हिसाब से ये पत्ते हैं उसी हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया है तो निशान आपको दिख रहे होंगे आपने निशान लगा रहे हैं जो पत्ते में रेशे बने होते हैं ना जो भी पत्ता होता है उसमें रेशे बने होते हैं रेशे के निशान उस तरह से ये देखिए हम अब हमने वल्टिंग करनी है तो मशीन को हमने बिल्कुल धीरे धीरे से चलाना है और यहाँ से हाथ से दबाते हुए ये देखिए दोनों हाथ से दबाते हुए और मशीन को चलाना है बिल्कुल धीरे से तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और फिर भी अगर आपकी मशीन नहीं चल रही है तो आपने क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि सोई धागे से आपने इसको क्विल्ट कर लेना है छोटे छोटे टांके लगाते हुए आपने इसको क्विल्ट कर लेना है ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में तो ये ये देखिए इस तरह से ना निकालते जाना है ये नहीं कि एक बार हमने आ, मशीन के नीचे पैर के नीचे दिया और सारा एकदम से हम इसमें कुल्टि कर लेंगे तो ऐसा नहीं है बिल्कुल निकाल के धीरे धीरे करके हमने इसको करना है क्योंकि इसमें हमने जो फाइबर भी भरा है ना बहुत कम तो नहीं है और इसमें आप छोटी छोटी कतरन भी भर सकते हो अगर छोटे आपके पास कॉटन नहीं है छोटे छोटे कपड़े भर के और सुई धागे से आप इसको क्विल्ट कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना आप वीडियोस को देखते हो और कमेंट भी नहीं करते हो और लाइक like भी नहीं करते प्लीज़ ऐसा मत किया करो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक like करा किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैं इसको क्विल्टिंग करके पूरा रेडी करूँगी तो फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको बहुत ही प्यारा इसका आएगा और अगर आप इसमें ना वेलवेट फैब्रिक यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैंने वेलवेट का ही यूज़ किया है अगर नहीं भी है आपके पास तो कोई बात नहीं आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं लेकिन वेलवेट फैब्रिक से जो इसका लुक आता है ना बहुत ही बढ़िया आता है ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए ही हमने इस पर कुलटिन करते जाना है बहुत ही ईजी है और देखने में तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा तो इसी तरह से पूरा मैं इसको भर लेती हूँ पूरा ऊपर तक हमने जैसे सिलाइयाँ लगाई हैं ना ऐसे ही हमने इस पर सारी लगाते जाना है ये देखिए जूम करके भी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपका डॉट अच्छे से क्लियर हो जाए ये देखो इस तरह से और फिर से निकाल लेंगे और फिर मैं ये देखो नीचे से ही मैंने शुरू किया हाथ से साथ साथ में आपने सेट करते जाना है ताकि इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए तो पूरा क्विल्ट करके रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए पूरा इसमें क्विल्टिंग जो है मैंने कर ली है तो देखिए हमारा ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा फ्लोर मैट जो है बन के रेडी हो गया तो आप अपने बच्चों के रूम में अगर इसको रखोगे आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और अपने कमरे रूम में भी जैसे बेड के साथ आप इसको रखते हो डेकोरेट कर सक करके या कहीं जैसे टेबल पे भी आप हो आप इसको एज ए टेबल रनर भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सुंदर लगता है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप इसको घर में डेकोरेट कर सकते हैं तो ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत ही प्यारा इसका आया है और देखो देखने में काफ़ी अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये बन के रेडी हुआ है तो देखिए अपने रूम में बेड के साथ में मैं आपको रख के दिखा देती हूँ काफ़ी सुंदर लग रहा था ये ये देखिए तो मेरी बेडशीट भी इस तरह की है अगर बेडशीट का भी वीडियो आप देखना चाहते हो ना ये बेडशीट भी मैंने खुद ही बनाई है तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन कवर रखे हैं क्वेश्चन कवर भी मैंने बनाए हैं तो फ्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें मोस्टली अपने घर की मैं खुद ही बनाती हूँ बेडशीट हो गई मैट हो गए कुशन कवर हो गए बहुत सारी चीज़ें जो है अपने घर के लिए मैं खुद ही बनाती हूँ और आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय थैंक यू